अस्सलाम। माई सेल्फ साद फारूक, एम एस थर्ड सेमेस्टर। जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसान सौर इसका नाम है। तो स्टार्ट करते हैं, अपने एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं कि क्या है, और देन फर्दर प्रोसीड करते हैं। इसे इंफॉर्मेशन है, टेस्टिंग है, स्टैटिकल एनालिसिस है, फिर ऐप को रीडिज़ाइन किया गया है, और देन उसको यूज़र्स की तरफ लेके गए हैं दोबारा, और उसको एक्सेप्ट या नॉट एक्सेप्ट करवाया। इंट्रोडक्शन की तरफ फ़ौरन से चलते हैं कि इस ऐप में बताया, ये एप्लीकेशन किसान सहूलत एप्लीकेशन, ये एग्रीकल्चर है, और इसके जो यूज़र्स हैं वो फार्मर्स हैं। इसमें एप्लीकेशन में फार्मर्स के लिए फसलों को काश्त करना, की कटाई, उनको जो खादें हैं वो कौन सी खाद हम यूज़ कर सकते हैं उसके मतलब, उसके अलावा मौसम के मतलब कि कौन से मौसम के अंदर कौन सी हम फसलें काश कर सकते हैं, विंटर के अंदर और समर के अंदर कौन सी है। देन उसके अलावा इसमें क्या है कि मिट्टी की जो सॉइल है उसकी कौन सी टाइप है, ठीक है, उनको डिजीज़ लग जाती है जो उनको फसलों को जो उनकी बीमारी के मतलब, ठीक है, उनसे बचाव कैसे है और किस किस्म के जो उन्हें डिजीज़ हैं वो लगने लगने का डर बताया गया। फिर सबसे बढ़ के इसके अंदर जो उन्होंने फैसिलिटी दी है वो वॉइस की दी है कि जिस तरह किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो इस ऐप के अंदर उन्होंने वॉइस उस वॉइस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो खुद ही हमें मिलते हैं कि मौसम किस मौसम में कौन सी फसल काश करनी है, हमें सारी चीज़ें एक वॉइस के अंदर सुनने में मिलती है, ठीक, बजाय के पढ़ने के। और ये एप्लीकेशन जो है वो ऑफलाइन है। इसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन थे कि विच इज डिलीवर स्पेसिफिक डिवाइस, ये जो हम जितने भी सैमसंग के एंड्रॉयड सेट्स हैं, एंड्रॉयड इंटरफेस उसके अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द एंड यूज़र ऑफ दी ऐप, द एंड यूज़र ऑफ दी ऐप जनरली बेसिकली ऐप किस मकसद के लिए और किन लोगों के लिए, किन यूज़र्स के लिए खास तौर पर बनाई गई है, तो वो हमारे सामने जो फार्मर्स हैं उनके लिए काफ़ी फेम काफ़ी अच्छी और काफ़ी हेल्पफुल एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन है ये फुली फ्री है, इसके कोई चार्जेस या इसकी कोई पेमेंट नहीं है। ऐप की तरफ चलते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ की तरफ। ऐप इज़ डिज़ाइन इज़ ईजीली न्यू यूज़र्स कैन ईज़िली यूज़ दिस ऐप ड्यू टू इफेक्टिव डिज़ाइन विद द इमीडिएट इंफॉर्मेशन। कोई नया जो आपके पास यूज़र है, ठीक है, वो इस ऐप को आसानी से यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तस्वीरों के साथ ग्राफिकल यूज़र बहुत है, यूज़र फ्रेंडली यूज़र है, ग्राफिकल यूज़र है, जिसकी वजह से जो एक नया यूज़र है वो इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। एफिशिएंसी इस ऐप मैंने रिड्यूस परफॉर्म देयर एक्टिविटीज सच एज ओपन द ऐप एंड आउट यूज प्लेइंग ऐप टू यूज़र, जिसमें पहले बताया गया है कि इसमें एफिशिएंसी ये है कि ये एक आसानी से इसके अंदर कोई लॉगिन वगैरह इस तरह का साइन अप ऑप्शन नहीं, यूज़र को पहले लॉगिन या साइन अप करना पड़े। और दूसरा, अगर नया यूज़र है और अगर वो अनएजुकेटेड भी है तो इसमें जो वॉइस ऑप्शन है उसकी वजह से ये जो ये जो ऐप है वो हेल्पफुल है। इसमें जितने भी हम टास्क वगैरह हैं वो आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं, कोई इसमें मल्टीपल स्टेजेस नहीं है, सिंगल स्टेज के ऊपर हम जो यूज़र है वो जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, मीन्स के जहां वो जाना चाह रहे हैं। थ्रू ऑडियो फॉर्मेट कैन हेल्प ऑफ द क्रॉप सीजन, ऑडियो की आवाज़ से जो सुन के जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी हेल्प इसे ले सकते हैं। मेमोरेबिलिटी, किसान सहूलत ऐप बेस्ड ऑन द फार्मर ऐप, द डिज़ाइन ऑफ द ऐप इज़ वेरी, जिसने पहले बताया गया है कि इसका जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा यूज़र अट्रैक्टिव है। और वेन यूज़र रिटर्न एंड सो टाइम देन इट कैन यूज़ एंड एसेसेबल ऑल द फीचर ईजीली ड्यू टू इफेक्टिव डिज़ाइन। हाँ, अगर कोई एक यूज़र मेमोरेबिलिटी के अंदर ये बात यह है कि बात के अगर कोई यूज़र काफ़ी देर बाद इस ऐप पे आता है, क्या उसको दोबारा कोई मुश्किल होगी
या उसको वो चीज़ें याद रहेंगी जिस दर से ये पहले गुजर के गया होगा। जी बिल्कुल, ये एप्लीकेशन यूज़र्स के लिए अगर वो काफ़ी देर बाद भी आते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल ऐप है, डिट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि वो अपने इस ऐप को दोबारा यूज़ कर सकेंगे और आसानी से इस ऐप को दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। एरर्स के लिए ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ द ऐप यूज़र हैव डन लिटिल मिस्टेक्स बट दीज एरर हैव नॉट कॉज एनी बिग प्रॉब्लम। तो जो मसला एरर्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो उर्दू का टेक्स्ट दिया गया है या उर्दू की इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें कुछ उन्होंने वर्डिंग यूज़ की, मिस वर्डिंग मीन्स के कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो जो कुछ पढ़े लिखे फार्मर्स हैं उनको उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलात का बायस बन सकती है। सेटिस्फिकेशन डिज़ाइन ऑफ द ऐप इज़ अट्रैक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल है, अट्रैक्शन है, ईजी टू नेविगेट है। एक स्टेज से या एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना हो तो उसमें हमें मुश्किल नहीं है, आसानी से यूज़र एक जो फीचर उसको यूज़ करते हुए दूसरे फीचर तक पहुँच जाता है। गुड और पॉइंट पॉइंट्स की तरफ आएँ तो उसके लिए गुड पॉइंट है डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उन्होंने, क्रॉप्स के बारे में फर्टिलाइजर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, इसके अलावा सॉइल के बारे में डिटेल चीज़ें दी हुई गई हैं, ठीक है, इसका जो लोगो है वो अट्रैक्टिव वगैरह, वॉइस जो काफ़ी हेल्पफुल है वो चीज़ें इसके गुड पॉइंट्स में हैं। उसके अलावा होम स्क्रीन विद अट्रैक्टिव डिज़ाइन एंड इमेजेस, जो होम स्क्रीन है उसके ऊपर इन्होंने जो इमेजेस वगैरह लगाई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ये इसका चीज़ें अच्छी हैं जो यूज़र को अट्रैक्ट करती हैं, ब्लू टेक्स्ट है कि जो ईजिली सकते हैं या पढ़ सकते हैं। इसके बॉइड पॉइंट की तरफ आए तो इन्फॉर्मेशन टाइप इज मिस मीन्स के इसमें एक नेविगेशन मिस है जिसके अंदर क्या हो कि क्रॉप्स डिटेल क्रॉप्स की डिटेल फर्टिलाइजर्स की वो एक नेविगेशन इसमें मिस है। इसमें सिर्फ वॉइस है, टेक्स इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, वॉइस के साथ, तो जो उर्दू इन्होंने लिखी है वो कम्प्लीट नहीं है। कमेंट सेक्शन में आया तो उसका कमेंट सेक्शन जो प्रॉपरली नहीं कर रहा, तो ये इसके बैड पॉइंट। अब स्टैटिकल एनालिसिस की तरफ आते हैं, यूज़र्स के इंटरव्यू जो डेमोग्राफी इंफॉर्मेशन कर देगा, तो हमने नंबर ऑफ यूज़र हमारे पास 5 थे, उसमें हमने जो इसमें किया है वो मेल का ही कंडक्ट किया, उनकी रेंज जो थी वो 25 से 60 तक है। फिर टेलर स्टेटस की तरफ 3 मैरिड थे, 2 सिंगल थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे पास 11 थे। अब ये इंटरव्यू जिस टाइप का, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू था, ठीक है, उसमें जब हमने क्वेश्चंस किया कभी फार्मर ऐप के बारे में सुना है, तो 75% हमारे पास ये था कि जी सुना है, और 25 था उनका हमने इस ऐप के बारे में कभी पहले नहीं सुना फार्मर ऐप के। फिर क्वेश्चन 2 था कि आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा इस ऐप को यूज़ करते हुए, जो सेटिस्फाई थे वो हमारे पास वेरी सेटिस्फाई 25 थे, जो सिर्फ सेटिस्फाई थे वो हमारे पास 25% थे। इसमें अगर एज ब्रैकेट की बात की जाए तो हमारे पास 18 से 29 तक 40% लोग थे, 30 to 45 भी हमारे पास इतने 40 थे, दो मेंबर्स, 61 to 75 के दरमियान हमारे पास 20% जो रेशियो थी लोगों की वो आई। नेक्स्ट आ के ऐप विच फीचर्स यू मस्ट लाइक, के इसमें जो हमारे पास फीचर्स थे वो वेदर था, क्रॉप था, फिल्टराइजर था, क्रॉप डिजीज था, तो इसमें मेजोरिटी ने जो क्रॉप के बारे में जो फीचर था उसको ज़्यादा सेलेक्ट किया था। इससे ऐप की सिक्योरिटी के बारे में अगर बात की जाए तो कोई नॉर्मली 3 point और 4 point के ऊपर नॉर्मली हमारे पास आए थे कि 40% के ये इस ऐप की सिक्योरिटी से सेटिस्फाइड है। इसकी ऐप की लुक के बारे में अगर बात की जाए तो वो हमारे पास 75 में आए थे कि उन्होंने लाइक किया था। इसमें अगर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ केयर की जाए तो हमारे पास 4 point के ऊपर उन्होंने 40% हमें इस ऐप की क्वालिटी बेहतर क्वालिटी के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट अगर यूज़र ऐप की इसकी इफ़ेक्टिवनेस की बात की जाए तो 75% ने कहा था जी काफ़ी इफेक्टिव है, और 25% ने कहा था नहीं ये इफेक्टिव नहीं है।
इसमें तो ज़्यादातर जो हमने कहा था, क्वेश्चन था हमारा कि लोग क्या कर रहे हैं, तकरीबन सारे लोग जो थे जिनका हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, कोई ये आउट ऑफ वर्क नहीं था। इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में कि इसका डिज़ाइन कैसे, नेविगेशन और फीचर्स ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पॉइंट स्कोरिंग हुई थी नेविगेशन में वो एवरेज थी हमारे पास 50%। इसको ज़्यादातर विच ऐप स्टोर इन योर डिवाइस के, इसको ज़्यादातर जिन लोगों का हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया उनके पास स्मार्टफोन जो एंड्रॉयड के थे उनमें प्ले स्टोर से उन्होंने ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड किया। अब कार्ड सेटिंग की बात की है, जो हमने कार्ड सेटिंग के जो टाइप यूज़ किया वो क्लोज कार्ड सेटिंग टाइप यूज़ किया। इसमें हमारे पास जो यूज़र्स थे वो एजुकेशन बीबीए है और इसमें जेंडर मेल है, उन्होंने जो कार्ड सेटिंग की है उसके मुताबिक इनकी अरेंजमेंट है, जो हम आगे फर्दर जाके इसको एक ग्राफ के अंदर लेकर आए कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है और डिफ़ॉल्ट अरेंजमेंट कैसी है। इस तरह यूज़र टू में बीकॉम से रिलेटेड है, मीन जॉब भी करते हैं और फार्मर से भी रिलेटेड है। इन्होंने भी जो कार्ड सेटिंग की है, फिल्टराइजर सॉइल्स वगैरह को पहले लेकर आए हैं, एक डिफ़ॉल्ट और इसका जो हमारे पास डिफरेंट है। आगे हम ग्राफ में चलते हैं, उधर हम इनको इन यूज़र्स को देखते हैं। अगर हम यूज़र वन की बात करें, एक तरफ जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है वो हमारा डिफ़ॉल्ट ग्राफ है कि हमने डिफ़ॉल्ट जो अरेंजमेंट थी कार्ड की वो ये है, और एक यूज़र वन ने जो अपनी अरेंजमेंट की थी वो कुछ यूँ है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डिफ़ॉल्ट की, तो क्रॉप था, वीट था, राइस था, पोटैटो, सॉइल, फर्टिलाइजर, वेदर, क्रॉप डिजीज और कॉन्टैक्ट अस। अब उन्होंने क्या किया है, यूज़र वन ने जो फिल्टराइज़र 6th नंबर पे थी उसको उठा के वो फर्स्ट पे क्रॉप की जगह ले आए हैं, ठीक है। इसी तरह जो 3rd नंबर पे राइस थे तो उसको सेकंड पे ले आए हैं। अगर सेकंड पे फिर थर्ड पे हमारे पास राइस है तो उधर वो वेट ले आए हैं, ठीक है। तो ये यूज़र वन की कार्ड सॉर्टिंग कुछ हुई है। फिर पोटैटो था हमारे 4th पे, वो उसकी जगह 1 वाला क्रॉप ले आए हैं। इसी तरह 5th पे सॉइल था और इसकी जगह वो क्रॉप डिजीज़ उन्होंने लाए हैं। 6th के पर फर्टिलाइज़र था और वो यहाँ वेदर लेकर आए हैं, और 7th पे वेदर था इधर वो कॉन्टैक्टस लेकर आए हैं, और 9th पे 8th पे सॉरी हमारे पास क्रॉप डिजीज़ था इधर वो सॉइल लेकर आए हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट 9th पे था इधर वो पोटैटोस को लेकर आए हैं। तो ये उनका यूज़र वन का कार्ड सेटिंग कुछ यूँ थी। इसी तरह यूज़र टू की कार्ड सेटिंग है, लेफ्ट साइड में हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, राइट साइड पे उनकी कार्ड सेटिंग है। अगर इसकी तरफ बात कर ली जाए, अगर इसकी तरफ आया जाए, तो 1 के ऊपर हमारे पास क्रॉप है और वो इधर उन्होंने 6th वाला लेके आए, 6th के ऊपर हमारे पास फिल्टराइजर है, 2nd पे हमारे पास वीट है और इधर वो 5th वाला लेकर आए हैं जो कि सॉइल है। इसी तरह सोवान, ये उनकी कार्ड सॉर्टिंग थी। इसे थर्ड की अगर बात की जाए, तो थर्ड में थर्ड यूज़र ने क्या किया कि फर्स्ट पे क्रॉप था हमारे पास तो वो फर्स्ट के ऊपर कॉन्टेक्टस का कार्ड उन्होंने यहाँ रखा था, 2nd पे वीट था इधर वो लेके आए क्रॉप डिजीज़, और 3rd पे राइस था इधर वो उन्होंने राइस ही पुट किया है, 4th पे पोटैटो था हमारे पास कार्ड पे और इधर वो उन्होंने फिल्टराइज़र को लेकर आए हैं। फिर इसी तरह 4th वालों ने भी कुछ यूँ किया, इनके भी अरेंजमेंट फर्स्ट और इधर वो 3rd को लेके आए जो कि राइस था। 5th वालों के अगर तो लेफ्ट साइड पे डिफ़ॉल्ट है और राइट साइड के ऊपर यूज़र्स के रिकॉर्ड हैं। फर्स्ट पे हमारे पास जिस तरह क्रॉप है तो वो यहाँ 3rd वाला लेके हैं जो कि हमारे पास राइस है। तो ये यूज़र्स के कार्ड सॉर्टिंग्स थी। अगर इनका एनालिसिस कर लिया जाए तो ये सारे ऊपर डिफ़ॉल्ट हैं, उनके नंबरिंग दी हुई है, और नीचे उन यूज़र्स की नंबरिंग है जो जिन्होंने जिस तरतीब से कार्ड को सॉर्ट किया हुआ है। अब ऐप रीडिज़ाइन की तरफ जाते हैं, ऐप रीडिज़ाइन की तरफ आए तो ये किसान सहूलत ऐप को हमें रीडिज़ाइन किया, इस पर अगर क्लिक करते हैं तो ये हमने लेफ्ट साइड पे इसका मेन्यू दिया, मेन्यू ये मेन्यू बार आ गई है, ठीक है। अब मेन्यू बार में से हम फिल्टराइजर पे क्लिक करते हैं तो ये हमें फिल्टराइजर की तरफ ले जाता है। अगर हम इसे वापस बैक की तरफ
प्रेस करते हैं हमें दोबारा ऑन स्क्रीन पे ले आता है। इधर से जो वेदर्स वगैरह इन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें वेदर्स की तरफ ले जाते हैं। यहाँ से अगर हम विंटर पे यहाँ से हम बैक पे क्लिक करें, ये मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमें दोबारा होम से मेन्यू शो कर देता है। अगर इसमें एक ऑप्शन अबाउट अस का नहीं था, वो हमने अपनी तरफ से ऐड किया, तो ये आपके सामने अबाउट अस का है। फिर हमने बैक पे क्लिक देन इसके अंदर हमने जो चीज़ फर्दर ऐड किया कि इनके नाम नहीं थे, तो हमने इन इमेजेस के नीचे इनके नाम मेंशन कर दिए हैं कि ये सॉइल है, सॉइल का नाम है मेंशन कर दिया, ये क्ले है और लूमनी, दो टाइप्स की ये सॉइल है। फिर वापस हम होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये यूँ हमने कुछ ऐप को रीडिज़ाइन किया। देन लास्ट में बात की थी उर्दू, इन्होंने मेंशन की है, गुड पॉइंट है, लेकिन उसके अंदर भी मिसिंग है। तो हमने इधर कंप्लीट जो उर्दू टेक्स्ट था उसको प्रॉपरली अरेंज करके इधर लिखा हुआ है। तो देन हमने ऐप थी वो यूज़र्स को सेंड किया। अब हम उसका कमेंट पढ़ते हैं कि रिकमेंडेशन बाय यूज़र मोहसिन मोहसिन तल्लत ने इस ऐप को री किया था, और उन्होंने इसके अंदर जो एक बात की थी कि इसके आइकन्स के नीचे नाम होने चाहिए, तो अलबत्ता मैंने वो जो नेम है वो ऐड कर दी है, और इसे इसको मैंने एक्सेप्ट किया था। सेल्फ क्रिटिक के अंदर आते हैं कि जो ऐप काफ़ी अच्छी है, सिंपली है, सिंपल डिज़ाइन है इसका, इसमें कोई लॉगिन या साइन अप ऑप्शन वगैरह नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ें थी कि उर्दू का टेक्स्ट उसको प्रॉपर अरेंज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकती है ऐप, ठीक है। लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिख उर्दू को पढ़ना लिखना जानते हैं, वो ज़्यादा इससे मुफीद हो जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो है यूज़र्स को जब ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है उसमें एक वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अलबत्ता इसमें थोड़ा वर्किंग की जाए, जो चीज़ें बताई हैं, तो ये ऐप और ज़्यादा मुफीद हो जाए फार्मर्स के लिए। थैंक्स।